हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लिमिट्स पॉइंट और सर्कल टूल के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉइंट टूल पे जाने के लिए हमें पॉइंट कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना होगा। ये जो पी पॉइंट्स पी वर्ड से जो भी स्टार्ट होने वाला कोई कमांड है वो टूल में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। एंटर क्लिक करेंगे तो ये पी पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है, तो पॉइंट बना दिया है। फिर सेम तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्क स्पेस में जो पॉइंट है बहुत ही छोटा है, तो हमें ये थोड़े दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसकी पॉइंट स्टाइल में हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कीबोर्ड में टाइप करना होगा DDP टाइप। उसके बाद में जो ये पॉइंट स्टाइल है, काफ़ी सारे डिजाइन गिवन है यहाँ पे, तो हम किसी भी डिजाइन में एक्सेस करके पॉइंट का जो डिजाइन है, स्टाइल है, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं क्लोज चूज कर लेता हूँ, जो ये पॉइंट की डिजाइन है वो एकदम चेंज हो चुकी है। तो हमें इसकी साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो हम डीडी टाइप वापिस लिखेंगे या फिर ना लिखें, हम एंटर क्लिक करेंगे तो जो लास्ट यूज्ड कमांड होता है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हम एंटर क्लिक करेंगे तो जो हमने डीडी टाइप यूज किया था वो तो यहाँ पे वापस आ चुका है। या फिर मैं जो स्पेस बार गिवन है कीबोर्ड में उसको भी यूज करके जो लास्ट कमांड हमने यूज किया है वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो 5% गिवन है वो वर्क स्पेस के 5% है। जैसे हम इसको 10 कर देंगे तो ये वर्क स्पेस 10% के इक्वल में जो साइज हो जाएगी वो भी हो चुकी है। हम इसको वापस 5% ही कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने पॉइंट ड्रॉ किए हैं, वो मैंने एकदम रैंडम पॉइंट ड्रॉ किए हैं, तो हमें इसको पहले मैं लिख देता हूँ। तो मैं सबसे पहले जो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो ये वर्क स्पेस है वो इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक है। हमें सबसे पहले लिमिट्स कमांड यूज करना होता है, लिमिट्स कमांड जो यूज करेंगे, फिर एंड अपर राइट कॉर्नर है, हम 200 का जो स्पेस है वर्क स्पेस जो हमने कमांड लिमिट्स कमांड है वो अपना वर्क स्पेस 200 यूज कर ले चुके हैं। फिर हमें जो ये पॉइंट चूज कर चुके हैं, तो अब मैं पॉइंट टू वापस चूज करता हूँ। मैं स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट जैसे पॉइंट की जो लोकेशन है टाइप करता हूँ, जैसे पॉइंट्स हो गया है जो कि एक्स एक्सिस से 50 है एंड वाई एक्सिस में भी 50 डिस्टेंस पे भी। मैं सेकंड पॉइंट चूज करता हूँ 25 बन चुके हैं। वो भी मैं जैसे रैंडम पॉइंट चूज कर देता हूँ, तो मैं अब दो पॉइंट बनाए हैं उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये लाइन पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जो ये लाइन बनाई है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है। जैसे हम इनको जूम करेंगे, लाइन है वो थोड़ी सी सेंटर पॉइंट से एकदम अलग है, थोड़ी सी दूर है। वैसे ही जो सेकेंड पॉइंट है इसको हम थोड़ा जूम करेंगे तो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं कि एक हम स्टेटस बार टूल में एक कमांड गिवन है उसी है, इसको हम ऑन करने के लिए एफ की जो कीबोर्ड में अवेलेबल है उसको भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिर ये इसकी जो हम किस पॉइंट के बारे में बात करना, जैसे जैसे ये नोट्स हमने बनाई है तो नोट्स चूज करेंगे। जैसे लाइन के एंड पॉइंट में बात कर लेते हैं, एंड पॉइंट के सेंटर में हम उनको सभी टिक लगाएंगे रखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो हम लाइन टू वापस आते हैं, जो ग्रीन लाइन सर्कल शो हो रहा है वो इसके नोड से पॉइंट को शो कर दिया। जब भी हम पुश लैंप ऑन करेंगे, जैसे कि आप ऑन करेंगे इसको जूम करेंगे तो ये एकदम एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में है, इसलिए ये पुश लैंप वैल्यू पुश लैंप मोड गिवन है स्टेटस बार टूल में, इसको ऑन नहीं रखना। अब हम सर्कल टूल की बात करते हैं। जैसे हम सर्कल टूल में काफ़ी सारे ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे सेंटर रेडियस से सर्कल बनाना है तो हम पहले सर्कल रेडियस सेंटर से रहते हैं, तो हम रेडियस इसके डालते हैं 50 यूनिट्स। जैसे हम जो ये सर्कल का बना है वो 50 यूनिट्स में बना है। फिर हम बात करते हैं सेकंड डायमीटर के हिसाब से,
डायमीटर किसी भी सर्कल का पता हो तो हम बना सकते हैं, 100 आ जाते हैं। सर्कल बना है वो 100 यूनिट्स का बना है, इसका डायमीटर। थर्ड आता है 2 पॉइंट, तो जो ये 2 पॉइंट है हम पहले फर्स्ट पॉइंट चूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, सर्कल बना है जो ये वो 2 पॉइंट से गुजर रहा है। थर्ड होता है 3 पॉइंट, 3 पॉइंट जैसे हुआ है ये, और ये पॉइंट चूज करता है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो ये जो सर्कल बना है वो 3 पॉइंट से गुजर रहा है, 3 पॉइंट सर्कल बन चुका है। फिर आता है 10-10 रेडियस। अब 10-10 रेडियस में ऐसा होता है कि दो टेंजेंट और एक रेडियस, किसी भी मैं सर्कल टू यूज करता हूँ, तो मैं ये दो लाइन चूज कर लेता हूँ, पहले जो भी टेंजेंट यूज आएंगी, फिर रेडियस जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पूछ रखा है स्पेसिफाई रेडियस, तो हम रेडियस डालेंगे या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। सर्कल बना है इसका टेंजेंट है लाइन, और जो इसकी रेडियस है वो है 250। फिर आता है 10-10-10, जो तीनों टेंजेंट के हिसाब से बनाने चाहेंगे, सर्कल यूज कर लेता हूँ फर्स्ट सेकेंड एंड तीनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर है, हम इनके सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर फिर परपेंडिकुलर है, तो सर्कल बना हुआ तीनों के टेंजेंट से बने। ओके, दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।